बचपने से हम लोग जानवर का बहुत शौकीन थे। बिहार के ऐसे जवाज मुखिया जी हैं जो ना सिर्फ जनता के दिलों पर राज करते हैं बल्कि जानवरों का भी फेवरेट है। पूरे भारत में के लोग अगर इसका जोरी लगा देंगे तो उनको 1,01,000 में इनाम देंगे। तो मोर प्रजाति का था। अच्छा, मोर के नाई पूरा खुश होगा तो पूरा पाँख फैलाता है। राजा जो है 155 शील्ड का विजेता है पूरे भारत। हाँ। बहुत प्यारी गाय हमारी है। क्या सींग खूबसूरत है एकदम, मतलब जल्ली कट्टी वाली फीलिंग आता है। बताया ना, 7 लाख में मंगाए थे हम लोग गुजरात से। 7 लाख की ये गाय है, बताइए। नीलगाय हम लोग इतना नजदीक से तो कभी देख ही नहीं पाए। आता है खेत में, इतना सरपट भागता है जिसे कोई जवाब नहीं। पोसा होते इसको 40 साल से हम सबको रखे हुए और एक मेंटेन में मैं लेके चलता हूं। मानना पड़ेगा ये बात कि शौक बड़ी चीज है भैया, और इसी शौक से बड़ा कुछ। हाँ। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, होंगे शहरों में गांव में लोग एनिमल लवर के नाम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एक खरगोश पाल लेते हैं, एक कुत्ता, या फिर ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होगा तो 2-4 गाय। लेकिन हमारे साथ एक बिहार के ऐसे जवाज मुखिया जी हैं जो ना सिर्फ जनता के दिलों पर राज करते हैं बल्कि जानवरों का भी फेवरेट है, और इनके फेवरेट जानवर हैं। इनके मतलब क्या कहिए, आंगन में गाय से लेके गाय के अलग अलग प्रजाति, घोड़ा और कई जंगली जानवर जो रेयर तौर पे आपको मिलते हैं सब इनके पास है। मछली भी मिलेंगे। तो सबसे पहले इन मुखिया जी से हम आपको मुलाकात कराते हैं। अभी हम समस्तीपुर के सभी हरपुर सादाबाद पंचायत के मैं मुखिया हूँ। हाँ। अरविंद कुमार राय उर्फ डोमन मुखिया मेरा नाम है। हाँ। और पटोरी मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। वाह, और तीसरी टर्म आप लगातार जीते हैं। ये तीसरा बार मैं मुखिया हूँ। और हमने सुना कि आपके मतलब खानदान से सभी लोग मुखिया रहे हैं। परदादा भी मुखिया थे, हमारे चाचा मुखिया थे, इसके बाद मैं मुखिया। ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप मुखिया बन रहे हैं? समाज में ऐसा काम मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह का अगर विवाद अगर हमारे पंचायत में होता है, चाहे अगल बगल के, हम लोग 20-25 पंचायत में घूम के पंचायती भी करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह का बड़े से बड़े विवाद को हम लोग उसी जगह सुलझा दें। इससे लोग में चाहत बना हुआ रहता है कि बड़ी बड़ी विवाद जो आएगा वो मुखिया रहेंगे तो हमको इस समस्या का समाधान तुरंत कर दें, और मैं करता भी हूँ। अच्छा, आपके पास जो जानवर हैं उन पे बात करें, उससे पहले हम एक बात और कर लेंगे। अब इतना बार मुखिया रहे, अभी आगे नहीं बढ़ने का लग रहा है कि अब विधायक बना जाए थोड़ा? अच्छा, वो तो अलग की बात है। देखिए, कोई चाहत से नहीं बनता है। जनता का आवाज जब होगा तो कोई रोक भी नहीं पा सकता है। नहीं, जनता तो आपके साथ है, ये तो हमें दिख रहा है। और जानवरों का इतना शौकीन कैसे हुए, कैसे लगा? बचपने से हम लोग जानवर का बहुत शौकीन थे, क्योंकि पशु पक्षी बहुत प्रेमी हम हैं इसका। बच्चे से हंस, बत्तख, मुर्गा, खरगोश, चूहा, साहिल, ये सब हंस, मछली, सब पालना हमारा बच्चे से आदत था। तो पहले कम संख्या में रखते थे, क्योंकि छोटा बच्चा थे, स्कूल भी करते थे। बहुत घर के लोग दबाव देता था, जी सब क्यों रखते हो, क्योंकि समय जैसे अब स्कूल जाना है तो हम लोग तो यहीं पढ़ते थे, कोई बाहर जाके नहीं पढ़े। हम लोग प्राइवेट स्कूल था उसमें पढ़ते थे, और नहीं तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हम लोग। तो जो समय मिलता था हमको स्कूल के बाद, स्कूल से पहले, वो हम जानवर के ही पीछे मैं समय देता था। वाह, तो ये मतलब आप सिंगल पीढ़ी से ये रख रहे हैं, मतलब पिताजी और दादाजी नहीं रखते? नहीं, पहले से भी है, पहले से कम संख्या में था। पहले दादाजी 2 घोड़ा रखते थे, पिताजी 2 घोड़ा रखते थे। घोड़सवारी भी आप करते? हाँ, घोड़सवारी मैं करता हूँ। कई सारे अवार्ड हमने देखा। हाँ, वो तो चलिए हम देखेंगे, चलते चलते बात भी करते हैं। तो कई सारे घोड़ा के प्रजाति देखा हमने, रेयर गाय देखे जो बहुत सुंदर सुंदर लगी, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे अभी, ये कितनी सुंदर सींग वाली, हम फिल्मों में देखते थे ऐसे गाय। हाँ, देखे होंगे। तो कितना 15 घोड़ा हमारे पास है। 15 घोड़ा हमारे पास है, और लोग अवार्ड वगैरह भी जीतते हैं वो। हाँ, बहुत बहुत अवार्ड। अच्छा, सोनपुर का मेला बिहार में बहुत फेमस है। हाँ। और वहाँ जाते हैं तो लोग तरह तरह के एनिमल लवर से हम लोग मुलाकात होती है। लेकिन जब हमें पता लगा कि बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसे मुखिया जी हैं, तो हमें लगा कि वाह, देखना चाहिए। और सच में सोनपुर तो सब दिन मैं जाता हूँ। जाते हैं हमेशा बराबर थी। एक हमारे पास घोड़ी थी 2.5 फीट की। अच्छा, छोटी सी 2.5 फीट की घोड़ी थी हमारे पास। तो हम चैलेंज कर दिया था पूरे भारत को
ये पूरे भारत में के लोग अगर इसका जोरी लगा देंगे तो उनको 1,00,001,000 में इनाम दूंगा। तो बहुत से लोग लाए लेकिन उसका जोर नहीं लग पाया, छोटी घोड़ी थी। ये सब घोड़ा है, ये सब घोड़ा है, देख लीजिए अभी नाद से खा के बच्चिया रो बना रही है। ये सब घोड़ा जानवर है मेरे पास, और रेस लड़ने वाला जानवर उधर है, देखिए रेस लड़ने वाला भी घोड़ा उधर है। और ये तालाब है, इसका आप वीडियो देख रहे होंगे स्क्रीन पे अभी, इसमें कितनी मछलियां, इसमें मांगूर कितना साल से रखे हुए हैं ये सबको? बहुत दिन से, 5 बरस हो गया। 5 बरस? हाँ, 5 बरस। तो ये मांगूर तो अब खाने लायक नहीं होगा ना, मतलब? नहीं, शौक से देखने लायक, अभी शौक से देखने लायक। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रिच जैसा शुतुरमुर्ग तो नहीं है? कम से कम ना शुतुरमुर्ग नहीं है, टर्की प्रजाति में, मोर प्रजाति में टर्की आता है, वही टर्की है। ये साहिल है, ये साहिल है, देखिए कांटा होता है जिसमें, खरगोश है उसमें, वो खरगोश है, वो तो देख ही रहे हैं, खरगोश तो खर रखा हुआ है। और ये क्या है, ये बड़ा वही कहते मोर प्रजाति का आता है। अच्छा, ये मोर, मोर के नाई पूरा खुश होगा तो पूरा पाँख फैलाता है। और ये देखिए घोड़ा रखे हुए हैं, राजा है ये, बुलेट राजा। हाँ, बुलेट राजा घोड़ा है, ये भी सिल जीता है, कम जीता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में राजा घोड़ा के नाम से आप जानिएगा वो घोड़ा को। ये घोड़ा राजा जो है 155 सील का विजेता है पूरे भारत में। 155 सील जीता, अकेले जीता है, कार जीता है, मोटरसाइकिल जीता है, सोना जीता है, चांदी जीता है, बहुत चीज जीता है। तो कैसे मेंटेन कैसे करते हैं, मतलब मेंटेनेंस भी तो बहुत हाई होगा? मेंटेन होता है, और मेंटेन को क्या कहिएगा, खर्च तो इसमें अधिक ही है, शौक में तो खर्च होता ही है। हाँ, पूरे जानवर जितना भी आपको कितना खर्च होता होगा महीना? लगभग 2,50,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, अपना जो चारा होता है, चारा के अलावा 2,50,000 के बाद 2,50,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। आप लोग का मुख्य पेशा क्या है, मतलब काम, मतलब जैसे क्या करते हैं आप लोग, खेती बाती भी होती है? हम लोग मुख्य रूप से हम लोग किसान वर्ग से आते हैं। हाँ। हम लोग किसान हैं, और किसान में मजबूत किसान हम लोग हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, ये आपको नीलगाय है, नीलगाय है। अच्छा, नीलगाय जनरली हम लोग इसको इतना तेज दौड़ता है कि कैसे आप लाएं इसको, हमको ये समझ में नहीं आता है। नीलगाय हम लोग इतना नजदीक से तो कभी देख ही नहीं पाए, आता है खेत में कि इतना सरपट भागता है जिसे कोई जवाब नहीं। पोसा हुआ है, पोसा नीलगाय है, पोसा हुआ है। हाँ। तो ये भागेगा नहीं? नहीं भागेगा, ये भागने वाला चीज नहीं है, शौक से रखा हुआ है, खोल देंगे तो फिर घूर के चलाएगा। दूध, ये भी इसको भी दूध पिलाते हैं। अच्छा, दूध पीता है? वाह, डॉग भी है, एक से एक डॉग है, डॉग भी रखे हुए हैं, बकरियां भी हमने देखा उधर पे, वो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। हाँ। बकरी, वो कौन सा प्रजाति है वो वाला? वो तोता पारी है, तोता पारी। हाँ, गुजरात से मंगाए थे हमने। अच्छा, कौन सा, जैसे किसी को पालन करना हो बकरी, तो कौन सा बकरी ज्यादा सुटेबल है बिहार में पालने आपको के लिए? सबसे ज्यादा आपको तो देसी बकरी में ज्यादा मुनाफा होता है। देसी में, देसी बकरी 2-4 बच्चे देते हैं एक बार में, 2 बच्चे या 3 बच्चे देते हैं, 4 बच्चे भी देते हैं, लेकिन ये लोग जो है अधिक से अधिक 2 बच्चे से अधिक नहीं देते हैं, ना तो 1 बच्चा देता है। तो कई लोग को मानना है कि बाहर का ब्रीड लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो कीमत ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। अच्छा। अगर इसको बढ़िया कराए, खांसी को रखा जाए, तो ये 50,000-60,000 में एक खांसी बिकेगा। अच्छा। और देसी वाला तो 20,000 तक बिकता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि वही रखे देसी। हाँ, और मतलब जिस इन्वायरमेंट में भी तो सर्वाइव करता है। भेड़ भी हमारे पास है, देखिए भेड़ भी है, आप स्क्रीन पे देखेंगे भेड़, तो भेड़ को सिर्फ पाला है आपने बस ऐसे ही। और आपको भैंस भी है, नस्ल एक एक बरके एक नस्ल का, भैंस है सब मुर्रा नस्ल का भैंस। ये मुर्रा कितना दूध देती है? पंजाबी है, 20 लीटर दूध करती है भैंस एक टाइम। हाँ, एक दोनों टाइम में। अच्छा, दोनों टाइम से 10-10 लीटर एक टाइम में करती है। हाँ, उसी का बच्चा ही है, उसी का बच्चा ये है, ये भी 20 लीटर दूध करती है। इसका कीमत क्या होगा, मुर्रा नस्ल जैसा है तो उसका क्या कीमत होगा? 2,50,000 रुपया कीमत है। 2,50,000? हाँ, एक भैंस का 2,50,000, 20 लीटर दूध प्लस करने में 2,50,000 रुपया कीमत। एक से एक भैंस है, एक से गाय भी आप देख ही लिए हैं। गाय बहुत सुंदर सुंदर। हाँ। हम गायों के बारे में जानना, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पे मेरे घर में भी गाय होते हैं, और गाय को लोग थोड़ा शांत दिखता है भैंस के अपेक्षा। हाँ, शांत जानवर है। तो ये गाय का कौन सा नस्ल है? गिर नस्ल। इसका क्या खासियत है और कितना दूध करती है? इसका देह सोहराने से ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट कमता है, और इसका दूध खाने से, दूध इसका एंटीबायोटिक में माना गया है। अच्छा। किसी से पूछेगा तो दूध इसका एंटीबायोटिक है। इसका घी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका शुगर है और इसका घी खाए 1 चम्मच प्रतिदिन, तो उसका शुगर भी कंट्रोल रहता है इसको दूध खाने से। बहुत महंगा रेट में दूध बिकता है। तो दूध इसका बेचते हैं आप लोग की? नहीं, दूध ना, दूध नहीं बेचते हम लोग, अपने खाते हैं। दूध कैसे खाते होंगे? सब लोग खा जाते हैं, घोड़ा है, घोड़ा भी पीता है। अच्छा, जानवरों को पिलाते भी हैं आपने? ये गाय देखिए, ये तो वही इसी की बात कर रहे थे कि फिल्मों वाली गाय। ये गाय हमारी नामी गाय, बहुत प्यारी गाय हमारी है। क्या सींग खूबसूरत है एकदम, मतलब जल्दी कट्टू वाली फीलिंग आता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सींग देख के कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं छुए ना भाई। सिंह देख के तो डर लग रहा है इसको। हाँ, कुछ नहीं करेगा।
ये क्या है ये? वो घाव हो गया, घाव इसमें हो गया है, घाव हो गया। तो इसकी गाय की कीमत कितना होगा? बताया ना 7 लाख में मंगाए थे हम लोग गुजरात से। 7 लाख की ये गाय है, बताइए। देखिए सींग वाली 7 लाख में। और दूध कितनी देती है ये? दूध वही 14-15 लीटर दूध देती है एक टाइम पे, मतलब 15 से 30 लीटर के आसपास ये दूध देती है। बच्चा इसी का है? बच्चा इसी का। और इसका नस्ल क्या है? गिर, 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 ये भी सेम है गिर। मतलब इसका बुल भी हम लोग रखते। देखिए बुल है, गिर का बुल है, फ्रीजन का है तो फ्रीजन का बुल है। अच्छा, मतलब आप लोग मतलब यहाँ पे उसका प्रजनन में भी मतलब? हाँ, कहीं नहीं, नहीं क्रॉस कराना है तो कहीं ले जाना नहीं पड़ता है, आप लोग खुद ही करवाते हैं? हाँ, यहीं पर क्रॉस करवाते हैं हम लोग। ये तो बहुत अच्छा बात है मुखिया जी कि मतलब तो ऐसे चीजों से लोगों को सीखने को भी बहुत मिलेगा। जैसे ये वीडियो जाएगा बिहार में तो सीखने समझने को लोगों को बहुत मिलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए पहले के जमाने में बहुत लोग शौकीनबाज थे, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, पाला करते थे। अब जो हो गया, अब लोग हिसाब जोड़ते हैं। हम बताए नहीं कि हिसाब जोड़ेंगे तो हम भी नहीं पाल पाएंगे इसको। जिस समय से कॉपी कलम हम लोग रख लेंगे, बहुत लोग हमारे देखस्पन किए, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत बड़े बड़े जमींदार लोग भी हमको देखस्पन किया, लेकिन वो लोग कलम कागज रख के हिसाब लिखते थे तो एक साल में भी उनका समाप्त हो गया फैक्ट्री। लेकिन हम तो आज से नहीं, हम तो इसको 40 साल से हम सबको रखे हुए हैं और एक मेंटेन में मैं लेके चलता हूँ। मानना पड़ेगा ये बात कि शौक बड़ी चीज है भैया, और इसी शौक से बड़ा कुछ। हाँ, और इसी सब का देन है जो कोई चीज का मुझे कमी भी नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे क्या आपको लगता है कि अभी ये करना है? सपना बच गया है देख के? अच्छा, आप जैसे शौक में कोई चीज बचा नहीं है। एक से एक पक्षी, एक से एक पशु, एक से एक कुत्ता, एक से एक घोड़ा, एक से गाय भैंस सब मैंने पाल लिया हूँ। अब कोई शौक नहीं है, जब इसके इससे आगे कोई शौक करना है, इससे भी कुछ रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता सेवा कर ही रहे हैं, जनता में रात दिन लगे हुए हैं। अब जनता जहाँ तक पहुँचा दे हम लोगों का। नहीं, आप तो सरकार भी है तो सरकार समर्थन। अच्छा, सरकार कैसे समर्थन देती है ऐसी चीजों में कि नहीं देती है? सरकार से हमको कुछ लेना नहीं है इसमें, समझ गए ना? क्योंकि माननीय मंत्री जो हमारे यहाँ उजियारपुर के लोकसभा सांसद हैं नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री थे, तो हम वो भी हमारे मित्र हैं। अच्छा, उनके बहुत पहले से हमारा उनका लगाव है, 85 से ही हम लोग एक साथ रहे हैं दोनों आदमी, तो वो भी हमारे मित्र हैं। लेकिन सरकार से हम लोग कुछ लेते नहीं है इस पर, कोई लेना देना, कोई लेना सब अपने से। हाँ, सब अपना करते हैं। चलिए मुखिया जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जानवरों के प्रति प्यार लगाव और जिस हिसाब से लगते हैं तितिर, हाँ वो देखिए तितिर है, वो उसको तितिर बोलते हैं, जो कहावत नहीं बोलते हैं तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर, तो तीन तितर देखिए वहाँ है। आओ, 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 आओ। तो आ जाएगा आपके बुलाने से तीतर, कबूतर भी आ जाएगा। सब आ जाता है, सब आ जाता है। सब अपना अपना हो गया। देखिए पेड़ पर सब मुर्गा चढ़ गया, पेड़ पे देखिए मुर्गा चढ़ा हुआ, किसी को बंद रही, फ्री रहता है। तो हमारे पास डॉग जो है ना, जो खुला हुआ डॉग है, वही सब का इसका ड्यूटी करता है, डॉग रखवाली करता है। हाँ, हम लोग कोई एक वो अगर हल्ला करेगा तो ये लोग बूझ जाता है कि बिलार आ गया या खटास आ गया या गिद्दर आ गया, एक बार चारों बल दौड़ने लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और, चूंकि बगल में गंगा नदी और वहीं से शुरुआत की थी हमने, तो इन जानवरों को देख के कोई जंगली जानवर का भी तो आने का खतरा रहा? नहीं नहीं, कोई जानवर यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारे पास इतना खतरनाक कुत्ता सब है, ये रात होने के बाद कुछ कोई भी चीज़ का आने नहीं देता है। चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए और बिहार के देश की जनता को बताने के लिए। तो देखिए भैया जुनूनी लोग एक से एक हैं, और मुखिया जी उनमें से एक हैं जिनके पास गाय, घोड़ा, बकरी सब है, और बहुत खर्च भी होगा ऐसे चीज़ों को, मेंटेनेंस में बहुत खर्च होते हैं। तो आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी जितने भी कहानियाँ बिहार की है जो बिहार के प्राइड से जुड़ा है, हम आप तक ज़रूर लाएँगे। डॉक्टर रिसर्च, नमस्कार।